फ्रेंड्स कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह मैं आज एक वीडियो आपके लिए और लेकर के आया हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैं हमेशा आपके लिए कंटेंट लेकर के आता रहता हूँ और आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं हमेशा जैसे कि आपके लिए कंटेंट लेकर के आता रहता हूँ, वैसे मैंने आज कंटेंट और लेकर के आया हूँ। आज मैं मोबाइल स्टमेटिक डायग्राम, आपने कई सारे डायग्राम आपने देखे होंगे, तो मैं डायग्राम, हर एक डायग्राम जो भी कंपनी का आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप बोर्नियो यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप जिंगजाओ यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप और भी कोई स्कीमेटिक डायग्राम आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको स्कीमेटिक डायग्राम रीड करने में दिक्कत आ रही है, तो मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको पता है कि हम कैसे स्कीमेटिक डायग्राम को रीड करते हैं तो आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट आपको अगर नहीं पता है कि वीडियो स्कीमेटिक डायग्राम मोबाइल में हम कैसे उसको फाइंड करते हैं, कैसे हम रीड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगी कि कैसे आप उसको चला सकते हैं। बाकी फ्रेंड, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आपको प्रॉपर वे में नॉलेज चाहिए, आपको पर्टिकुलर उनकी सप्लाइयों के बारे में, क्योंकि मैं सप्लाइयाँ यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, सप्लाइयों के लिए कि वो लाइन कौन सी आती है, कहाँ से आती है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर इसे टेलीकॉम आपको ज्वाइन करना होगा, जिसमें आपको प्रॉपर डीपली वे में नॉलेज आपको दी जाएगी। आप इसे टेलीकॉम ज्वाइन कीजिए, आपको उसमें आपको प्रॉपर वे में आपको समझाया जाएगा। बट जहाँ तक हो सकता है, मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे स्टूडेंट हो या हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या हमारे ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए और हमारे चैनल में बने रहें, और ऐसे ही मैं कंटेंट आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो चलिए, मैं कोई भी एक खोल लेता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ जिंगजाओ को ही खोल लेता हूँ। जैसे मेरे पास बोर्नियो की भी आईडी है और बोर्नियो की भी आईडी है। आपको और कुछ भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको किस कंटेंट में हमें काम चाहिए। तो मैं यहाँ पे जिंगजाओ खोलता हूँ और यहाँ पे आपको सारा चीज करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए नेट कनेक्ट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे नेट कनेक्ट कर दिया हूँ और मैं जिंगजाओ खोल लेता हूँ। क्योंकि आपके पास जो भी स्टमेटिक डायग्राम है, चाहे वो आपके पास बोर्नियो है, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का डायग्राम है, चाहे आपके पास कुछ भी है, चाहे आपके पास पीडीएफ है, तो आप ऐसे ही सारे डायग्राम को आप यहां से रीड कर सकते हैं। बट वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि आपको करना क्या है फ्रेंड। तो चलिए, ये हमने खोल लिया है। तो बेसिकली आईफोन का है, आईफोन, हवाई, ओप्पो, सैमसंग, मेजूज, एमआई, वीवो, लेनोवो, जियोनी, वन प्लस, और भी कई सारे ऐसे मॉडल्स ऐड होते हैं, जो कि मैं यहाँ पे किसी डायग्राम टूल के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ, आपको मोबाइल स्कीमेटिक डायग्राम को कैसे रीड करना है, कैसे आपको यूज़ करना है। तो मैं एक फटाफट हाईलाइट आपको दे देता हूँ। तो कोई भी एक मॉडल ले लेते हैं, आप उसमें बताइएगा। तो मैं हमेशा कई सारे वीडियो बनाता ही हूँ आपके लिए, पर फिर भी मैंने सोचा कि एक वीडियो ऐसा बना दे जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप क्या आपको फर्स्ट करना है, सेकेंड करना है, कैसे आपको फाइंड करना है किसी भी सेक्शन को। तो हम किसी भी सेक्शन को ले लेते हैं। फिलहाल हम ले लेते हैं एमआई के, ले लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोबाइल आते हैं एमआई के भी, तो इसमें काफ़ी सारे मॉडल भी डले हुए हैं एमआई के। रेडमी आप देख सकते हैं, नोट 8, नोट 7, तो हम लेटेस्ट नोट 8 प्रो को ले लेते हैं, क्योंकि नोट 8 में क्वालकॉम है और नोट 8 प्रो में मीडियाटेक है, तो हम मीडियाटेक सीपीयू को ले लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मीडियाटेक या क्वालकॉम ले रहे हैं, हम कोई भी एक ले लेंगे यहाँ पे। तो चलिए, हम उसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमें दो चीज़ यहाँ पे चाहिए होती है, एक तो डायग्राम और दूसरा लेआउट। एक डायग्राम होना चाहिए, दूसरा हमारा लेआउट होना चाहिए। तो ये डाउनलोड पीडीएफ हो रहा है, रिफ्रेश कर देता हूँ मैं फटाक से। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप किसी एक सेक्शन को मैं जाऊंगा और किसी एक सेक्शन को पकड़ के पर्टिकुलर मैं वहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। तो नोट 8 आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका डायग्राम हो गया। हमें दो चीज़ चाहिए होता है, लेआउट, क्योंकि लेआउट से हमें कंपोनेंट्स के नंबर, कंपोनेंट्स कौन सा कंपोनेंट, कौन सा कनेक्टर कहाँ पे लगा हुआ है, वो सारा चीज़। सप्लाइयों के नॉलेज मैं यहाँ पे नहीं देने वाला हूँ, सप्लाइयों के नॉलेज के लिए आपको एसे टेलीकॉम ज्वाइन करना होगा, इसलिए मैं फिर से रिपीट अगेन कर रहा हूँ। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारा फुल हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक तो सबसे पहले हमें जो चाहिए वो हमारा लेआउट होना चाहिए। तो लेआउट में आप देख रहे हैं पीसीबी के दोनों एबी बोर्ड होते हैं, ए साइड बी साइड बोर्ड होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। आप देखिए यहाँ पे दो बोर्ड हैं इसके। ये जो अभी लेटेस्ट फोन है रेडमी का, एमआई का, नोट 8 अभी लेटेस्ट ही फोन है,
तो मैं ऐसा कुछ लेटेस्ट नहीं, मैं आपको यहाँ पे पढ़ना बता रहा हूँ कि क्या कैसा है। तो ये सारी चीजें देख सकते हैं, हर एक कॉम्पोनेंट के पार्ट नंबर डले हुए हैं, हर एक कॉम्पोनेंट के यहाँ पे पार्ट नंबर आपको डले हुए हैं, जिस सेक्शन वाइज आपको जाना है, जिस कॉम्पोनेंट पे आपको जाना है, जिस लाइनों के बारे में आपको जानना है। तो बेसिकली आपको इसीलिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है आपके सामने, तो आप देख सकते हैं ये हमारा लेआउट, और लेआउट के अनुसार हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टेमेटिक डायग्राम होना चाहिए, क्योंकि हमें दो ही चीज जरूरत होती है, लेआउट और स्टेमेटिक डायग्राम। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, आप यहाँ पे पेज वाइज पेजेस आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं 71 पेज हैं इसमें। तो आपको इन पेजों से मतलब नहीं है फ्रेंड, आपको इन पेजों से मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इनके जो सेक्शन है, आप ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, इतने सारे डायग्राम लेआउट आप देख रहे हैं, जो कई सारे टेक्नीशियन देखते हैं और इन पेज को पढ़ना चाहते हैं, हमें पेज को नहीं पढ़ना है, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है फ्रेंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कि हमें प्रॉब्लम्स क्या है और उसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। हमें ट्रैक देखना है, वो लाइन देखना है कि वो लाइन आती कहाँ से है, वो लाइन जा कहाँ रही है, और क्या सेक्शन है, क्या फॉल्ट है, फॉल्ट फाइंडिंग। अगर आप ये डायग्राम भी चला रहे हैं पर आपको सीरीज पैलर कॉम्पोनेंट का नॉलेज नहीं है, तो भी आपके किसी काम का नहीं है। तो आप पर्टिकुलर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, एसआई टेलीकॉम को आप ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको पर्टिकुलर पहले नॉलेज लीजिए, बेसिक का नॉलेज लीजिए कि कॉम्पोनेंट क्या, सीरीज क्या, पैलर होता है, टेस्टिंग कैसे करते हैं, तब जाके आपको डायग्राम बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए बहुत सारी बातें ना करते हुए, तो हम किसी एक सेक्शन का ले लेते हैं। तो मैं तो लाइव नहीं हूँ, नहीं तो आपसे पूछता कि किस सेक्शन में हम काम करें। तो आपको किसी भी सेक्शन, ये जो आपके ए और बी बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, आपको किसी भी सेक्शन पे काम करना है, चाहे वो माइक, डिस्प्ले, रिंगर, चार्जिंग, नेटवर्क, या फिर एनी सेक्शन, डिस्प्ले, ग्राफिक्स, टच, आपका कुछ भी काम नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। आपका माइक काम नहीं कर रहा है, आपका हेडफोन काम नहीं कर रहा है, आपका कोई भी ऐसा सेक्शन है जो काम नहीं कर रहा है, आपको लाइन मिसिंग हो गई है। तो मैं फिलहाल एक जैक है, मैं उस जैक को लेके चलता हूँ। आप फिंगरप्रिंट आपका काम नहीं कर रहा है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए फ्रेंड। तो मैं इस जैक को लेकर चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा जो जैक है, ये जो जैक है हमारा डिस्प्ले और टच का होगा, और ये जो हमारा जैक है, ये हमारा चार्जिंग, माइक और स्पीकर, वो सारी चीज़ों का होगा। तो फ्रेंड फिलहाल हम इस जैक को चलते हैं। यहाँ पे जे आप देख सकते हैं, हर एक जैक के नंबर डले हुए हैं, कैमरा का हो या हमारा फ्रंट कैमरा हो, और या हमारा जो भी है, हर एक सेक्शंस का यहाँ पे कनेक्टर्स बने हुए हैं, हर एक सेक्शंस यहाँ पे हमारे बने हुए हैं। सीम स्लॉट हुआ, तो सीम के जैक हैं हमारे यहाँ पे। और सारे सेक्शंस को मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आपको जो भी सेक्शन पे काम करना है, सबसे पहले उस कनेक्टर पे आपको जाना है। जो भी आपका सेक्शन काम नहीं कर रहा है, डिस्प्ले, ग्राफिक्स या चार्जिंग या माइक या स्पीकर, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो आपको सबसे पहले फ्रेंड्स जाना है उसके कनेक्टर पे जाना है। तो हम, ये हमारा कनेक्टर है, हम इस कनेक्टर पे जाते हैं। तो सबसे पहले इस कनेक्टर का हमें नंबर चाहिए, तो J6400। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ, तो ये हमारा फाइंड में आ जाएगा फ्रेंड। आप यहाँ से मैनुअली कॉपी भी लिख सकते हैं। तो अब हमें जाना है, सबसे पहले लेआउट में गए, हमने जिस सेक्शन पे काम करना है हमने उस कनेक्टर पे गया। उस कनेक्टर पे जाने के बाद हम जाएंगे सीधा फ्रेंड्स यहाँ पे डायग्राम में। तो डायग्राम में जाने के बाद फाइंड का एक ऑप्शन दिखाई देता है, फाइंड के ऑप्शन में आपको वही कनेक्टर का नंबर, क्योंकि सबसे पहले हमें डायरेक्ट किसी आईसी पे नहीं जाना है, डायरेक्ट हमें जिस कनेक्टर पे, सबसे पहले हमें उसके डिस्प्ले, टच और उस कनेक्टर पे हमें पहुंचना होता है। तो हम जैसे ही फाइंड पे आप जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो आपका जो कनेक्टर है फ्रेंड, ये देखिए, ये हाईलाइट हो जाएगा। ये देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और जूम आउट करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा कनेक्टर है, जो हमारा कनेक्टर था, ये देखिए हमारा, ये हाईलाइट हो चुका है फ्रेंड बहुत ही इजी तरीके से। ये हमारी कितनी पिन है, 40 40 पिन है, और ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, हम सीधा पहले कनेक्टर पे पहुंच गए। तो ये हमारा देख सकते हैं, ये हमारा डिस्प्ले और ग्राफिक्स की लाइन है, टच और ग्राफिक्स की लाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सप्लाइयों के बारे में, जो ये सप्लाइयाँ हैं फ्रेंड, इन सप्लाइयों के बारे में डीपली नॉलेज आपको चाहिए, तो हमारा ऐसे टेलीकॉम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी जाके आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगा कि सारी सप्लाइयाँ हैं किसकी। तो ये हमारा जो सेक्शन आप देख सकते हैं, ये हमारा सेक्शन है ग्राफिक्स और टच और यहाँ पे डिस्प्ले, अगर इनबिल्ट है तो, नहीं है तो टच की सप्लाई अलग हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ पे ये जो सप्लाइयाँ हैं, LCD, NTC, ये सारी चीज़ें, CTP, ये क्लॉक, ये मिसो मोसी, ये CS, ये सारी चीज़ें क्या है, फिर सारी सप्लाइयों को आपको नॉलेज चाहिए, तो फ्रेंड्स आपको ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सप्लाई का नॉलेज नहीं देने आया हूँ, मैं यहाँ पे डायग्राम को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे चलाया जाता है वो। तो सबसे पहले हमें लेआउट में जाना है, लेआउट में जाने के बाद हमें उस कनेक्टर पर जाना है, जिस कनेक्टर पर हमें प्रॉब्लम है, हम उस कनेक्टर पर गए। कनेक्टर पर जाने के बाद फिर हमें डायग्राम में जाना है, डायग्राम में यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे कनेक्टर जो है, वो कनेक्टर हमारा जैक मिल जाएगा। तो जैसे
से वो कनेक्टर मिल जाएगा तो जो भी लाइन हमारी मिसिंग है, कितने ग्राउंड है, कितने एनसी है, कितने में हमारा रीडिंग आना चाहिए, वो सारा चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे मैं आपको एक दो कॉम्पोनेंट फाइंड करके या किसी एक लाइन को मैं फाइंड करके दिखा दे रहा हूँ, वीडियो लास्ट बड़ी बनेगी तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, आप उसको थोड़ा सा करिएगा। तो मैं चलिए एक लाइट एलईडी लाइट के देखिए, यहाँ पे ग्राफिक्स भी है और यहाँ पे लाइट सेक्शन भी है, दोनों है। तो आप यहाँ पे एलसीडी देख सकते हैं, यहाँ पे कैथोड, तो मैं एलसीडी कैथोड की लाइन को मैं ट्रेस कर लेता हूँ। तो उसके बाद जो 39 वाला पिन है, ये है कैथोड, कैथोड की लाइन है। जैसा कि आप देख सकते हैं तो कैथोड की लाइन में दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। अगर शॉर्टिंग है तो मैं यहाँ पे कोई रीडिंग सीरीज वाला देख लेता हूँ। मैं यहाँ पे सीरीज और पैलर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप सीरीज और पैलर नहीं पता है फ्रेंड तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इसकी सीरीज पैलर फोल्ड टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग आपको आनी चाहिए, तब जाके आप ट्रेसिंग कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो सपोज हम 39 वाली पिन को ट्रेस करते हैं, 39 वाली पिन को हम ट्रेस करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहला एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके बाद दूसरा कैपेसिटर लगा हुआ है। ये लाइन आती भी कहां से है और जाती कहां है, मैं सारा चीज आपको करके दिखाऊंगा फ्रेंड। तो चलिए फटाक से मैं कैथोड की एक लाइन आपको फुल ट्रेस करके बता देता हूं। तो चलिए जो ये कैपेसिटर है, तो सबसे पहले इस कैपेसिटर को आपको नंबर देख लेना है सी, ये मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे C419 यहाँ पे हमारा आ चुका है। अब हम जाएंगे लेआउट में तो देखेंगे ये जो हमारा कंपोनेंट था कहाँ पे लगा हुआ है। हम जैसे ही नेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे फ्रेंड जस्ट उसके ऊपर ये देखिए C64 ये नाइन हमारा कंपोनेंट लगा हुआ है, मतलब 39 और ये जो हमारा कैपेसिटर है ये हमारा यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ऐसे ही आपको हर एक कंपोनेंट को जाना है कि वो ओपन हो गया है, सीरी लीकेज हो गया है, शॉर्ट हो गया है, कि क्या कंडीशन बनता है, सबसे पहले हमें उस कंपोनेंट पे नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ फटाक से देर न करते हुए। तो दूसरा कैपेसिटर भी आपको मिल जाएगा फ्रेंड। अब यहाँ पे हम जाते हैं सीधा ये लाइन देखते हैं कहाँ से आ रही है। हमने इसको डबल क्लिक किया और अब हमें लेआउट में नहीं जाना है। अब लोग यहाँ से कन्फ्यूज हो जाते हैं और नहीं भी होते हैं, तो आपको अब लेआउट में नहीं जाना है, आपको डायग्राम में रह करके ही इसको ढूंढना है। तो डायग्राम में रह करके हम इसको ढूंढते हैं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे एलसीडी बैक और यहाँ पे कैथोड की लाइन आ चुकी है। तो अब ये देखिए सीधा आईसी से आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आईसी से आ रही है और ये आईसी को आपको जानना है कि आईसी से कहाँ आ रही है। बट उसमें एक हमारा बूस्ट कॉयल लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कॉयल लगा हुआ है। तो इस कॉयल को भी देखना है ये कॉयल लगा कहाँ पे है। तो हम सिंपली फिर मैं एक लाइन आपको बोला था फ्रेंड्स कि मैं ये लाइन आपको सीधा दिखाऊंगा आईसी तक कि कौन सी आईसी तक आ रही है। तो हमने क्या किया, सिंपली इसको यहाँ पे लिखा और हम सीधा यहाँ पे आ चुके हैं। अब उसके बाद आईसी को देख लेते हैं पहले कि पहले उस आईसी से पहले हम इस कंपोनेंट को देख लेते हैं कि कहाँ पे लगा हुआ है। तो L6410 तो हम जाएंगे और हम करेंगे ये नेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईसी के पास हमारा यहाँ पे एक कॉयल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये देखिए L6410। अगर ये ओपन हो गया फ्रेंड, अगर ये यहाँ से ओपन हो गया तो हमारा जो कैथोड की लाइन है वो ओपन हो जाएगी, तो आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। या अगर ट्रैक मिस हो गया तो आप यहाँ से एक जंपर लेकर के सीधा 39 वाली पिन पे मार देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। अब ये देखते हैं फिर उसके बाद हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा लाइट सेक्शन है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे फिर हमारा एक डायोड लगा हुआ है जो कि सीरीज में होता है। तो इस डायोड को भी हमें ढूंढना है, तो हमें उस डायोड को ढूंढ लेते हैं क्योंकि मैं सारा एक फुल ट्रेसिंग आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे इस डायोड, क्योंकि अगर हमारा डायोड भी खराब हो गया तो भी हमारा काम नहीं करेगा, तो इस डायोड को हम ढूंढते हैं। तो इस डायोड को हम देखेंगे फ्रेंड, उसके जस्ट बाजू में ही हमारा यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, और ये हमारा यहाँ पे डायोड। तो ये शॉर्टिंग या ये डायोड खराब हो जाएगा तो भी हमारा ये काम नहीं करेगा। तो सीधा फिर ये आईसी में जा रहा है फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आईसी में जा रहा है क्योंकि जो हमारी आईसी है ये आप देख सकते हैं। तो इस आईसी को आपको देखना है, तो हम जाएंगे U6419 और हम करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी लगी हुई है लाइट आईसी, यहाँ पे लगी हुई है फ्रेंड। तो ये हमारी लाइट आईसी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी यहाँ पे ये लाइट आईसी है। मैंने आपको फुल ट्रेसिंग करके बताया एक लाइट आईसी तक, एक आपको कॉम्पोनेंट तक, कि आपको यहाँ पे फुल वे में कि कैसे आपको करना है, क्या इसके पिनआउट्स होते हैं, क्या उसमें कॉयल लगा होता है, सारी चीजें हम यहाँ पे आपको करके दिखा रहे हैं फ्रेंड्स कि कैसे बूस्ट कॉयल लगा है, क्या लगा हुआ है, इस आईसी को पिन क्या है, ईएन कहां से मिल रहा है, ये सारी आईसी को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पावर मैनेजमेंट कहां से आ रहा है, सारा चीज। तो मैंने एक आपको लाइट, आपको जो कनेक्टर था फ्रेंड्स, इस कनेक्टर को मैं फटाक से एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूं।
नीचे आता हूँ, और नीचे आने के बाद ये देख सकते हैं मैं नीचे आता हूँ फटाक से फ्रेंड। ये देखिए मैं इस कनेक्टर पे जाता हूँ और हम जाते हैं सीधा डायग्राम में और करते हैं नेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं इस कनेक्टर पे मैं आ चुका हूँ। ये कनेक्टर पे मैंने गया तो मैंने एक लाइन 39 वाले को ट्रेस की, और वो लाइन थी फ्रेंड्स कैथोड की लाइन थी, एलईडी कैथोड की लाइन थी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड ये कैसा लगा है। अगर आप इससे कुछ सीखे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिए। ऐसे ही आप हर एक सेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अगर वीडियो बड़ी है तो देखने के लिए उसके लिए भी बहुत थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।